राइट, तो देवी और सजरू आज का दिन शुरू हो चुका है। मैं उठ चुका हूँ, नाश्ता मेरा बन रहा है, नाश्ते का टाइम या लंच का टाइम है, लेकिन मैं लेट हो गया क्योंकि क्या है कि इतने टाइम से फॉल ब्रेक चल रहा है, छुट्टियां चल रही है भाई, तो मैं छुट्टियों का आनंद ले रहा हूँ। मैं लेट सो रहा था और लेट उठ रहा था। अब देखो वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो थोड़े से तो मैच भी देखने ही पड़ते हैं मुझे। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक ऐसी चीज है जो थोड़ी सी फन है, थोड़ी सी एक्साइटिंग है, लेकिन जब वो फ्रूएशन तक पहुंच जाएगी ना तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आज उसका फ्रूट मिलने ही वाला है मुझे। अब फ्रूट मिलने वाले से मेरा मतलब बेसिकली ये है कि आज वो चीज होने जा रही है। मेरे कॉलेज के दो कैंपस है, मेन कैंपस है डाउनटाउन कैंपस है, डाउनटाउन में क्लासेस होती है, मेन कैंपस में और फलाना ढिमकाना होता है, मेन कैंपस से पढ़ा है। वहां पे मैं जा रहा था दो तीन बार से पिछले ऑफिशियल काम से, मैं तुम्हें कह रहा था बार बार, तो ऑफिशियल काम इसी को लेके था। एंड देखो ऑब्वियसली तुम लोग थंबनेल और टाइटल में देख ही चुके हो, तो मेरी जो पार्ट टाइम जॉब है वो लग चुकी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पार्ट टाइम जॉब ऐसी नहीं है जो मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगे या मेरा करने का बिल्कुल भी मन ना करे, बल्कि वो पार्ट टाइम जॉब ऐसी है कि मेरे लिए वो काम में काम भी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घंटे देने, मेरी कोई असल मेहनत भी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि द लेवल ऑफ वर्क जो वो करवा रहे हैं वो बेसिकली उस लेवल का है जो मैं जब मैं स्कूल में था 14 साल 15 साल का तब किया करता था, बल्कि उससे भी कम है ये। तो मेरे लिए तो देखो कमाल की बात है। कमाल की बात तो देखो इसलिए है क्योंकि मेरे को उससे भी कम लेवल का काम करना पड़ेगा, मेरे लिए बच्चों का खेल मतलब, और मुझे उसके पैसे मिल जाएंगे। इंडिया से कोई तो मैंने उपमे मंगाए थे, तो मेरे को ही साथ में उपमा वाली सेविया भी भेज दी थी। ऑलराइट, तो मेरा काम है वीडियोग्राफर का, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इनके एक ऑफिस से ट्राइपॉड उठाना है, कैमरा उठाना है, माइक उठाना है, जो भी जगह है वहां जाना है, जो भी इवेंट है वहां जाना है, ट्राइपॉड लगाना है, एक सेटअप करना है, एक शॉट लेना है, वापस आना है इनके कमरे में, प्रीमियर प्रो खोलना है, उसको आगे से पीछे से एडिट करना है और इनके ड्राइव पे अपलोड कर देना है, बस। पर ये अच्छी बात है, ये लोग क्या टाइम की कदर करते हैं। तो अगर मैं आज 2 घंटे जा रहा हूँ, मैं काम भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सीखूंगा और मतलब थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली काम कर लूंगा, लेकिन तब भी मुझे पैसे मिलेंगे। और इसके पहले जब मैं पिछली बार गया था ना पेपर लेने, तो भी उसने मुझे कुछ बताया था, तो मेरे ऐसे 40 मिनट्स टाइप लग गए थे, तो भी उसने कहा था कि आप अपना 1 घंटा लगा देना इसके अंदर। मैंने कहा अच्छा इसमें भी 1 घंटा लगाने में, तो हैरान हो गया मैं तो इस कल्चर से ही नहीं आता, मुझे क्या पता कि मैं पेपर लेने आया हूं तो भी तू कह रही है कि मेरा टाइम लगा तो पैसे मिल जाएंगे। मैं कहा ठीक है मैं लगा दूंगा अपना 1 घंटा, फिर से मतलब रिकॉर्ड करना पड़ता है ना उसमें टाइम। बस एक दिक्कत है कि इसके लिए मेन कैंपस जाना पड़ता है और वहां जाने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं और 2 बस में जाना पड़ता है, मतलब एक बदल के। तो पहले एक बस में जाऊंगा, उतरूंगा एक जगह, फिर दूसरी का वेट करूंगा, फिर बदल के वहां जाऊंगा। तो मेरे लिए वही बात है कि मुझे सिर्फ अपना टाइम लगाना है, एक तो जाने आने जाने का टाइम लगाना है, और जब भी वो इवेंट की रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ और उसमें मैं बोर हो रहा हूँ जितनी भी देर के लिए वो चलेगी, जितने भी घंटे के लिए, तब मैं बोर हो रहा हूँ। पर काम है सच नहीं है, मुझे सिर्फ वक्त लगाना है। बड़ा पहाड़ी इलाके में है ये वाला कॉलेज ना, एकदम इधर से ऊपर चढ़ो, इधर से उतरो, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ो, काफी मेहनत हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पे अपने लाइव स्ट्रीम करने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे ये भी है और ये हमें सब कुछ सिखाने वाले हैं। बेसिक कैमरा है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है खास, ये एक कैमरा है यहाँ पे नॉर्मल, एक लैपटॉप है, इसके अंदर जाएगी तार और इस तार के थ्रू सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो जाएगा इधर से। तो इतना कोई खास काम नहीं है, इतना कुछ कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो भाई अभी हमारा काम खत्म हो चुका है, ये भी हमारे साथ। Be more energetic. You have to be excited about it. Like what? Just like I am doing Hi it. Hi guys, I'm from LA. Oh, you're from LA? Yeah. I want to go to LA. It's cool, but it's like okay. Technically, I'm not from LA. Because it's very big. From LA County. I don't know the difference. If you're from there, most of the time you already know like a lot of people that might be associated. Oh really? Mm-hmm. Do you know some people? I know a few, yeah. Okay. Get me in touch with them. अब देखो क्या फाड़ लग रहा है यार यहाँ से, एकदम क्या फॉग है। अब हम सामान वापस रखने जा रहे हैं, काम तो हो गया हमारा खत्म, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग थी लेकिन 2 घंटे का काम मिल गया क्योंकि 1 घंटे जल्दी बुला लिया, अब अपलोड वगैरह करेंगे तो ऐसे ही है। लेकिन मुझे तो पैसे से मतलब है, मुझे क्या है, मुझे तो जितने घंटे दे दो। तो सबसे पहले आते ही व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट एवरीथिंग टू चार्ज। ये इनका चार्जिंग स्टेशन है बेसिकली, यहाँ सब इक्विपमेंट चार्ज होता है। ये कैमरा बैग्स हैं, इधर ट्राइपॉड है, यहाँ पे जो काम करते हैं वो लोग हैं, ये अपना कंप्यूटर एक तरह से। फाइल एक्सपोर्ट हो रही है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी, इसको अपलोड कर देंगे, एक तो इनकी ड्राइव पे करना होता है और दूसरा कोई तो इनका कोई तो क्लाउड है कुछ तो करके है, इनका अपना है, वहां अपलोड करना होता है। तो यही था बस मेरा आज का पहला दिन पार्ट टाइम जॉब का, होपफुली तुम्हें मजा आया होगा। मुझे तो काफी नॉर्मल सा ही लगा, काम करने को मिल रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेन बात हुआ है। तो मुझे घंटे पुट इन करने हैं, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात है और कोई बात नहीं। 4 बजे मैं आया था, 6:20 पे निकल रहा हूँ और मौसम देखो भाई साहब, मौसम तो कमाल का हो रहा है इस टाइम पे, मजा आ गया मुझे। पहुंच गए पूरी इधर से, तुम्हें दिख नहीं रहा, एकदम पहाड़ों वाली फील आ रही है यार, कमाल का भाई साहब, ये कॉलेज है इधर। ओए होए 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 हो
लेनी थी ना वो मैं ले नहीं पाया था। कोई तो
सड़क बन रही है इनकी, और उस सड़क बनने के कारण जो बस है जो अपने नॉर्मल रूट पे चलती है वो उस रूट की जगह दूसरे रूट पे चल रही है। तो इधर उधर करने मुझे वैसे ही नहीं पता यहाँ का इतना, तो इधर उधर करने में जरा सीन हो रहा था। फिर से फिगर आउट करते हुए घर कैसे पहुंचेंगे। पर सही है यार, मतलब उस हिसाब से काम, एक तो देखो काम ऐसा है कि जो मेरी पसंद का, मतलब मुझे वीडियो बनानी है जाके, दूसरा ये काम इतना ऐसे कहना नहीं चाहिए पर काम काफी ज्यादा नीचे लेवल का है एक तरह से, तो मेरे लिए टुडुम डुडुम डुडुम है जैसे मैं घर पे कह रहा था। तो मैंने तो टुडुम डुडुम डुडुम करके पैसे कमा लेने हैं बस। मेरे पीछे भी पूरा मेन कैंपस ही चल रहा है, ये बढ़िया है वैसे। अब मैं पहली बस का इंतजार कर रहा हूँ, पर सीन ऐसा है कि ये बस मुझे नहीं पता कहाँ छोड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे इसको छोड़ना था और जहाँ से बस बदल के मुझे अपने घर तक जाना है वो बंद है सड़क, तो पता नहीं है मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ। आज हर बस पे लिखा है डिटूर, हर बस पे डिटूर लिखा है आज। घर तो मैं आ गया हूँ बस बदल के, वो जहाँ बस बदली थी ना वो थोड़ा शेडी एरिया था, अब रात को शेडी एरिया में फोन नहीं निकाला मैंने तुम्हें बताने के लिए, क्या ही करोगे वैसे भी जान के। फिलहाल पहुंच गया हूँ मैं, अब एक मिनट दूर वो सामने दिख रहा है मुझे घर, वॉक करते हुए जाना है बस। ये रमनीक ने कहा था वो जिम में होगा, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा पर वहाँ व्यक्ति है, ये रमनीक है। चलो अभी घर आया था मैं, और अभी ही बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए फटाफट से जिम भाग रहा हूँ, क्योंकि फिर एक बार बैठ जाओ ना फिर कोई फायदा नहीं रहता। मैंने ये बात देखी, बैठना बैठना नहीं चाहिए, इधर से अगली जगह जाओ, अगली जगह से अगली जगह, अगली तरफ से अगली जगह, ऐसे चलते चले जाओ। ओहो जिम शेम, प्राइवेट जिम बना दिए गाने भी लगा के, क्या कर रहा है, किसने आने दिया तेरे को अंदर यहाँ, अंदर कैसे घुसा है तू हमारी बिल्डिंग के अंदर, जैकेट भी वहां टंगा दिए, गाने यहाँ लगा दिए, बिल्कुल ही अपना घर बना दिया इसने तो। ये तो बाइसेप्स मार रहा है, शोल्डर चेस्ट और बैक और बाइसेप्स सब एक दिन। तो अब हम जा रहे हैं 363, प्लान में चेंज आ गया, आज मेरा वर्कआउट इतना ही हो पाया क्योंकि वरना खाना सेटिंग नहीं थी। रमनीक कह रहा बहुत खाना है इसके पास तो खाना खाने चलते हैं फिर। भाई काफी एक्साइटेड हो गया है तो। फिलहाल पंजाबी गाने लग गए एज यू कैन प्रोबेबली हियर, लेकिन अभी हम खाना खाएंगे। ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसने कोई नई लाइट ली है जो 15,000 रुपए की है, तो ये तो इसको सेटअप करने में लगा है अभी, ये राघव फोन में लगा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने अपनी प्लेट ले ली, देखो यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, फुलके रेडी हैं, रमनीक के घर वाले आए हुए तो खाना भी तैयार है। खाने में आज हमारे पास है राजमा, पनीर, चावल भी तो है कहीं, चावल आए हैं अभी गर्म हो रहे हैं, आज हम यही सब खाना एंजॉय करने वाले हैं। मैं आ बैठता हूँ एग्जीक्यूटिव चेयर पे जरा।